उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के बीसलपुर के लाइफलाइन हॉस्पिटल की गुंडागर्दी आई सामने। अतिरिक्त 21,000 रुपए नौ देने पर मृतक के सबको बनाया बंधक। आपको बताते चले कि पीलीभीत के कोतवाली बीसलपुर के निजी अस्पताल में लाइफलाइन में गुंडागर्दी के दम पर मरीजों के शोषण का मामला सामने आया है। वहीं बीसलपुर के लाइफलाइन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत व्यक्ति के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ के मृतक को आयुष्मान कार्ड होते हुए भी इलाज के नाम पर वसूल की धनराशि कर रहे हैं। 21,000 की अतिरिक्त धनराशि न देने पर मौत के बाद डॉक्टर हॉस्पिटल स्टाफ को बंधक बनाकर रखा। शव लेने के लिए डॉक्टर के साथ हाथ पैर जोड़ते रहे परिजन, लेकिन दबंग बेखौफ डॉक्टर ने शव नहीं दिया। बाप को सब लेने के लिए मजबूर बेटे ने ग्रामीण को इकट्ठा किया, चंदा किया। इस मामले में गंभीरता को लेकर डीएम ने जांच के लिए आदेश दे दिए। बीसलपुर मामले के इलाके की लाइफलाइन अस्पताल का मामला है, देखते हैं किस भ्रष्टाचार हॉस्पिटल के खिलाफ प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। क्या मामला है? अरे बाबा जी को सांस की तकलीफ थी और आयुष्मान कार्ड दिया नहीं लिया, उन्होंने प्राइवेट तौर पर जाँच कराई तो अब वो एक्सपायर हो गए। हमने जो भी दवाई वाई का जो भी पैसा था वो हमने दे दिया। अब उन्होंने 21,000 रुपये का बिल बना दिया, दे रहे बिल उसके। कौन सा अस्पताल है और क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हॉस्पिटल है। डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर कह रहे हैं रुपए दो पूरे तब डेड बॉडी मिलेगी। किस चीज़ के रुपए? 21,000 ICU के 5,000 रुपए हैं, बकाया पता नहीं। नर्स के मांग रहे हैं, डॉक्टरों के मांग रहे हैं, हर चीज़ के अलग अलग पैसे मांग रहे हैं।